गुड इवनिंग माय फ्रेंड, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। और आज की ब्लॉग की तो ब्लैक बॉय जा रहे हैं कुंजापुरी, तो अभी घूमने जा रहे थे। भाई बोल रहे हैं कि यार कुंजापुरी देखा नहीं है तो घूम के आते हैं, ये सब चीज़ देखें। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, तो स्कूटी में अभी चल रहे हैं और ऊपर से पहाड़ों में काफ़ी कोहरा पड़ा, ठंड भी काफ़ी ज़्यादा होगी, देखते हैं फिर। और आगे से मैं अभी हेलमेट पहनूंगा, अभी तो मार्केट में आया इसलिए हेलमेट की कोई नीड नहीं है, लेकिन अभी आगे के हेलमेट पहनूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं आगे, जैसे जैसे रास्ता होगा वैसे भी दिखाएंगे अभी आपको। सो फ्रेंड्स, जस्ट अभी हमने क्रॉस किया है पत्रकाली, अब हम चढ़ रहे हैं चढ़ाई। ठीक है, चलिए दिखाते हैं आपको रोड पर। ये लाला 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 ला, धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम। मस्त एकदम खुली रोड, चौड़ी रोड, सफारी स्टार्ट हो चुका है हमारा। सो फ्रेंड्स, ये है बाईपास, ये जा रहा है रास्ता मेन, ये है मार्ग, महाराजा महाराजा शाह मार्ग। ये चली ताज को, उसकी सॉरी ताज बोल रहा हूँ मैं, आ रही गाड़ी। और अभी हम जा रहे हैं, स्पीड होगी कम हमारी क्योंकि तो ब्लॉग के लिए कैमरा निकालना थोड़ा, इसमें थोड़ा खड़ी चढ़ाई है, लेकिन ये बाईपास है जो कि नरेंद्र नगर को बाईपास करता है मार्केट से जाके सीधा यहाँ से, तो ये आनंद उतर जाएगा। तो अभी इसमें आपको दिखाएंगे आनंद उतर जाएंगे। ठीक है, चलिए तो दगड़ियों, अब हम पहुँच गए हैं आनंद होटल के पास। ये है आनंद होटल, वहाँ पर सारी गाड़ी लगी हुई है, तो पिए थे यहाँ पर। जल्दी पहुँचिए आनंद स्टाफ की बस, वहाँ पार्किंग है पूरी। मैं आगे देखता हूँ, दरासू बैंड पहुँच गया। अब वो साइड ये दरासू बैंड 43 चंबा, दरासू बैंड 24 प्रकाश 151। ये बाईपास था, अब ये बाईपास की एंडिंग होने वाली है कि जो कि नरेंद्र का बाईपास था। ठीक है ना, चल हम बना रहे हैं व्लॉगिंग। और दिनेश भाई एक बात और जान चाहते थे कि वो जो एक बाईपास है कि जैसे शॉर्ट रोड है एयरपोर्ट के लिए, वो कहाँ से है, तो उनको भी दिखाऊंगा अभी मैं। ठीक है, फिर आपको भी दिखाता हूँ। अभी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये हमेशा आता रहता है, यहाँ पर दिक्कत ही दिक्कत है, तो उसको रिपेयर कर रहे हैं। यात्रा तो चलने वाली ना अप्रैल में, तो उसके चक्कर में धुंध देगा, धुंध रहेगा पूरा, नरेंद्र नगर भी नहीं दिख रहा है अभी भी, दिनेश भाई दिख रहे बस अपने। देखो कैसे पत्थरों पर छोड़ रहे हैं वहाँ पर, जैसे भी है ना काम चल रहा है। मेरा ख्वाब मेरे ख्यालों की रानी। दिनेश भाई, दिनेश भाई क्या देखा तुम? ये रास्ता है, देखो ये रास्ता जा रहा है सीधा मनसा देवी निकलेगा, ये शॉर्ट रास्ता है, 10-12 किलोमीटर पड़ता है। और ये पूरा पूरा कंस्ट्रक्शन चला रोड का, नेशनल हाईवे का, गंगोत्री नेशनल हाईवे। चलो सो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच गए हैं, यहाँ से राइट जाएंगे, ये राइट में जा रहे हो। ठीक है, आगे मंदिर है हनुमान जी का, ये चल दिए हम कुंजापुरी के। अब यहाँ से 3-4 किलोमीटर है ऊपर कुंजापुरी। ये घना जंगल है इसमें, देवलधार। अभी तो यहाँ से चोटी दिख रही, चोटी पूरी धुंधली दिख रही है, यहाँ से थोड़ा सा बर्फ के पार दिख रहे हैं लेकिन थोड़ा धुंध रहे हैं। यहाँ पर बाघ भी दिख जाता है, लेकिन जब हम सनराइज दिखा रहे हैं तो अभी हम रुके हैं, थोड़ा सा विश्राम कर रहे हैं यहाँ पर फोटो वोटो शूटिंग के लिए। ये भाई देखो यहाँ पर रील्स बनाएंगे इंस्टाग्राम डालने के लिए कि आज हम यहाँ पहुँच गए, व्हाट्सएप में डालेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। और गाँव देखो नीचे, गाँव देवलधार का रास्ता है। और अभी हमें वो जाना वाना, देखो वो है कुंजापुरी माता का मंदिर, सो वहाँ जाना है अभी हमको।
क्या करना है? फोटो खींचना। कैसे ले लो? लो लो आप लो। तो अभी पहुंच गए हम कुंजापुरी। ये देखिए पूरा लगा पड़ा है जो ओपन कर मंदिर मंदिर। पूरा पूरा धुंध लगा है नीचे की तरफ कोहरा। यहाँ पर अच्छी धूप आ रही है। इन गांव वालों के मजे हैं ठंड में धूप देखने के लिए। वाह मजा आ गया। पैसा वसूल चले फिर मंदिर की ओर। अब 275 स्टेप्स हैं। ये भी चढ़ना पड़ेगा। 200 से ज्यादा सीढ़ियां हैं। बस लेकिन छोटी छोटी सीढ़ियां हैं। चलो प्रसाद। हाँ एक मैं आपने ले हा? आपने ले लो। ये भाई ले रहे माता रानी के लिए प्रसाद कुंजापुरी माता की। ओ माय गॉड 500 नोट खुले नहीं है तभी तो हो रहा भाई। बताओ फिर अब क्या सीन होगा ऐसे। लेकिन यहाँ पर देखो ना आसमान पूरा खुला हुआ है भाई। क्या मजा आ रहा है यहाँ पर। धूप अच्छे लग रहे हैं। बच्चे भी टाइम पास कर रहे हैं खेल खेल के। स्कूल गए कि नहीं गए पुराने बच्चे? छुट्टी चल रही ना। छुट्टियाँ? अच्छा चले परचेस कर लिया है। अब यहाँ से 275 स्टेप्स चढ़ने हैं। यस तो जैसे कभी ऊपर ही तो जब कभी जैसे कोई टफेस्ट है किसी को सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होती है तो यहाँ से सीधा स्टेप जाना है रास्ता वहाँ से जा सकते हैं। लेकिन वो तब भी वो फिर आगे से स्टेप्स चढ़ने होते हैं। तो अभी यहाँ पर चलें भाई। इतने सारे स्टेप्स चढ़ने हैं। आइए आइए आपको ले चलते हैं आज कुंजापुरी के मंदिर। मात्र 275 सीढ़ियां हैं। सांस भी लगी स्टीप है काफी। नहीं तो आइए चलते हैं। ऊपर से काफी अच्छा व्यू होने वाला है। सुंदर नजारे आने वाले हैं। ठीक है ना ब्रेज भाई कैसा लग रहा है? लेकिन फुल टाइट जांग और जो घुटनों से नीचे होता है ना पीछे साइड वो काफ़ी टाइट सा हो गया था। तो यहाँ पर हम जाते हैं मोस्टली सनराइज टाइम पे आते हैं। एक्चुअली नहीं नहीं एक्चुअली रास्ता ये वाला भी था जब मैं आना हो स्लोप से इजी। नहीं तो बाकी आपके पास ये स्टेप्स तो हैं चढ़ने के लिए है ना। लेकिन 275 काफ़ी स्मॉल स्मॉल स्टेप हैं देख लीजिए। काफ़ी छोटे छोटे हैं तो बस नाम के लिए हैं 275 का। वैसे हैं छोटे बहुत ये यहाँ पर अपने जूते उतार के ये है मंदिर। लेकिन यहाँ पर सीढ़ी गर्म हो रही है। धूप आई होगी थोड़ी देर पहले तो एकदम गर्म हो रही सीढ़ियाँ। जय माता दी। जय माता दी। पैर जूता क्यों है यार? पूरी मानव पर लगी सफर तनहा। देखिए कितना प्यारा है ना स्नो व्यू दिख रहा है यहाँ से माउंटेन। काफी भीड़ आ रही है अच्छी खासी। कंस्ट्रक्शन चल रहा है और वो है गंगोत्री हाईवे चंबा और वो देखिए स्नो व्यू। धुंध है काफी ज्यादा वहाँ की तरफ भी दिख रहा है लेकिन बहुत रेयर। फॉरनर गेस्ट काफी ज्यादा आते हैं यहाँ पर।
ये है यहाँ से सनराइज देते हैं जब मॉर्निंग टाइम पे आते हैं। सनराइज देखने के लिए दिनेश भाई। चलिए दर्शन तो हो गए काफ़ी अच्छे से, लेकिन जिस समय हमने एंटर किया था उस समय मंदिर के अंदर के जो होते हैं जहाँ पर मतलब मूर्ति है, मतलब एक पीठ है ना, तो वहाँ के अंदर की सफाई चल रही थी उस समय, तो उस वजह से थोड़ा टाइम लगा, लेकिन जब सफाई सफाई हो गई थी उसके बाद दर्शन अच्छे से हुए। जो पुजारी जी हैं उन्होंने भी काफ़ी अच्छे से, और सबसे बड़ी बात जो मैंने बताई रही वो है बंदर तो इतने भयंकर कि मेरा प्रसाद था और दिनेश भाई के पास था नहीं। दिनेश भाई तो नॉर्मल खड़े थे, उनको डर के बाद था नहीं, क्योंकि वो फिर बंदर ने उनको अटैक नहीं किया था। मेरे पास आया, मैंने सब पकड़ा होता प्रसाद, फिर जैसे उसे जम बांध किया मैंने और ऊपर कर दिया वो तो नहीं पकड़ा देते भाई, मतलब बहुत ही भयंकर सीन वाला था बंदर के साथ। तो बंदर बड़े यहाँ के बड़े वैसे हैं इसी पर्पज से, ताकि किसी को यात्री को कोई हर्ट ना हो मतलब बंदर के द्वारा, तो ये प्रॉपर तरीके से जाल लगा रखा है और काफ़ी अच्छा वाला सा इसको साफ सुथरा रखा है। ठीक है, तो अब वापस की ओर हैं चलते हैं, और दिनेश भाई तो बस लगे हुए हैं व्हाट्सएप स्टेटस लगाने में कि भाई आ गया। ठीक है ना, चलिए। सो गाइस अभी हम बीच में रुक गए चाय के लिए, चाय का मजा कुछ और है। आई तो नहीं अभी आ रही होगी ना, रस्ते में क्या? अरे तो भाई अरे मुंह तो दिखा दो ऊपर करके, भाई का मुंह देख लो, भाई का मुंह दिखाई भाई है ना। तो ये बात है, चाय काफ़ी अच्छी आ गई इन्हें, मज़ा आ गया चाय पीने में। कुंजापुरी के दर्शन कीजिए, आइए सिद्धपीठ टेम्पल है ये भी। तो अभी हम ही नंदनगर से निकलने के बाद कितना प्यार सनसेट हो ना, ऐसी वाली फोटो हाँ कितना चाहिएगा, मस्त एकदम। सो फ्रेंड्स अभी हम पहुंच चुके हैं अपने 14 बीघा में, मस्त मज़ा आया, एटमॉस्फेयर देखा वहाँ का काफ़ी अच्छा था। वहाँ पर तो कोई ऐसा फॉगी था नहीं, लेकिन जब वहाँ से नीचे आ रहे तो भयंकर स्केस जो है पूरा फॉगी से कवर हो रखा है, लेकिन यहाँ तो नहीं है, है ना। अब भाई जा रहे दूध लेने के लिए, फिर कॉफ़ी पीने, एक बाइक के समोसा समोसा लाए थे। तो कैसा लगा सफ़र आपको हमारे साथ कुंजापुरी का, हमें ज़रूर बताएं, शेयर करें हमारे साथ, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, बाय बाय, मज़े रहिए, एंजॉय कीजिए।